हिज्ब प्रमुख को इसराइल की धमकी, पूरे इसराइल पर होंगे हमले। कासिम ने कहा हमारी मिसाइलों की रेंज में पूरा इसराइल है, कासिम की धमकी। और अमेरिका में ट्रंप सरकार की वापसी होते ही इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि गैलेंट बाइडेन के करीबी थे और बाइडेन बेंजामिन के बीच गाजा युद्ध पर असहमतियों की लंबी लिस्ट है। हालांकि बेंजामिन के इस फैसले पर इजरायल में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं, लेकिन उन्होंने वॉर ब्लू प्रिंट के तहत यह फैसला लिया है। बेंजामिन का प्लान है ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की ताकत को खत्म करना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमेरिका और इसराइल एक बड़ी जंग की तैयारी कर चुके हैं। देखिए क्या है गैलेंट को हटाने की वजह और कैसे इसराइल ईरान पर हमलों की योजना बना रहा है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को अरब में युद्ध विराम और शांति के नए प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इसराइल में जो समीकरण बन चुके हैं उनसे लगता है कि युद्ध विराम और शांति की संभावना का अंत हो चुका है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है उससे संकेत साफ है कि इसराइल लंबी जंग के लिए तैयार है, और वो भी तब तक जब तक अपने एक एक दुश्मन को शक्तिहीन ना बना दे। इस मिशन को पूरा करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योआब गैलेंट को पद से बर्खास्त कर दिया है। इस बर्खास्तगी के पीछे बेंजामिन का प्लान है अरब में महासंग्राम छेड़ना। नेतन्याहू के इस फैसले के पीछे का मकसद बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्होंने गैलेंट को हटाने के पीछे कई वजह बताई हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि रक्षा मंत्री योआब गैलेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, युद्धकाल में उनके फैसले सरकारी फैसलों के विरुद्ध होते जा रहे थे। मतभेद दूर करने की कोशिश की लेकिन खाई चौड़ी होती गई, मतभेद सार्वजनिक हुए और इसराइल के दुश्मनों को इसका फायदा मिला। अब नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट में रक्षा प्रभार, विदेश मंत्री रहे इसराइल कार्ड्स को सौंप दिया है। नेतन्याहू और गैलेंट के बीच मतभेद सितंबर अक्टूबर के महीने से ही सतह पर आने शुरू हो गए थे। इनके पीछे वजह थी गैलेंट की युद्ध विराम की मंशा और बेंजामिन की जंग जारी रखने की हट। गैलेंट के साथ बेंजामिन के मतभेद कई मुद्दों को लेकर थे। गैलेंट बेंजामिन पर अक्सर गाजा में इजरायली बंधकों की अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। इसके साथ ही 7 अक्टूबर के हमले की उच्च स्तरीय जांच पर गैलेंट का जोर था। बेंजामिन ने हमास के समूल नाश तक गाजा की जंग जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन गैलेंट ने इसे मूर्खतापूर्ण फैसला कहा। नेसेत यानी इजरायली संसद की कमेटी में भी गैलेंट ने बेंजामिन के फैसले का विरोध किया। बंधकों की रिहाई के सौदे में बेंजामिन ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जे की शर्त रखी। इस शर्त का गैलेंट ने विरोध किया और इसे युद्ध विराम में बाधक बताया। गैलेंट का कहना था कि हमास एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। बेहतर होगा कि इसराइल को युद्ध विराम के लिए तैयार होकर बंधकों की वापसी का रास्ता तैयार करना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू की हट है कि हमास को खत्म करने के लिए उसकी लाइफलाइन यानी फिलाडेल्फी कॉरिडोर को काटना जरूरी है। इसी कॉरिडोर के जरिए मिस्र से होते हुए हमास को हथियार सप्लाई होती है।
और गाजा पट्टी के राफा क्षेत्र में फिलाडेल्फी कॉरिडोर मिस्र से सटा हुआ है। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है। यही कॉरिडोर मिस्र से हमास का कनेक्शन पॉइंट है। इसी फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नीचे से होते हुए मिस्र की सीमा में हमास की सुरंगें जाती हैं। इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास का बाहरी दुनिया से कनेक्शन होता है। अगर फिलाडेल्फी पर इसराइल का कब्जा हो गया तो हमास का बाहरी दुनिया से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इस कॉरिडोर का नियंत्रण इसराइल के हाथ में जाते ही हमास को हथियारों की सप्लाई बंद हो जाएगी और इस तरह से इसराइल हमास पर जीत हासिल कर सकता है। नेतन्याहू ने अपने हठ को पूरा करने के लिए गैलेंट को कैबिनेट से बाहर कर दिया और अपने यस मैन कहे जाने वाले इसराइल काट्स को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन गैलेंट को हटाने के पीछे मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है। बेंजामिन का प्लान अब अरब में जंग का विस्तार करना है। बेंजामिन नेतन्याहू हमास, हिजबुल्ला और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों का संपूर्ण विनाश चाहते हैं। इसराइल ने प्रॉक्सी के सिर यानी ईरान पर हमले की तैयारी की है। बेंजामिन का प्लान है कि ईरानी मिसाइल स्टोरेज और मिसाइल प्रोडक्शन सेंटरों पर हमले किए जाएं। इसके साथ ही ईरान के हथियार सप्लाई रूट को काटकर प्रॉक्सी की हथियार आपूर्ति ठप कर दी जाए। इसराइल के कट्टर ज़ायोनिस्ट नेता इतामार बेन गाविर सहित कई पार्टियों का बेंजामिन के फैसले को समर्थन है क्योंकि वो फुल स्केल युद्ध छेड़कर प्रॉक्सी और ईरान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान के साथ जंग की तैयारी हो चुकी है और अब लंबी जंग चलनी तय है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले का विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में हाईवे जाम कर दिया और नेतन्याहू के घर का घेराव करके ही इज अ ट्रेटर के नारे लगाए जा रहे हैं। नेतन्याहू का उपनाम बीबी है और उन्हें इजरायली लोग देशद्रोही कह रहे हैं। बंधकों के परिवारों का आरोप है कि बेंजामिन ने अपनी सरकार बचाने और युद्ध को लंबा खींचने के लिए गैलेंट को हटाया है। लंबी जंग की तैयारी के संकेत अमेरिका की सैन्य गतिविधियों से भी मिलने लगे हैं। अमेरिका के 6 B-52 परमाणु बॉम्बर कतर पहुंच चुके हैं। ये उनकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो अल उदैद बेस पर तैनात हो चुके हैं। माना जा रहा है कि ईरान कभी भी इसराइल पर हमला कर सकता है और ऐसी सूरत में अमेरिकी बॉम्बर ईरानी साइट्स पर हमले कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति चुनाव खत्म होते ही अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका अपनी न्यूक्लियर आईसीबीएम मिनटमैन 3 का टेस्ट भी आज रात करने जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है और उसे रोकने के लिए ट्रंप की डिप्लोमेटिक कोशिश नाकाम होती है तो ईरान के खिलाफ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे अरब में महासंग्राम शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।